राधे राधे, मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चना दाल नमकीन, जो खाने में काफी टेस्टी और मजेदार है। यदि आप एक बार घर में बनाएंगे तो बाजार से लाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हम ले लेंगे चने की दाल, हम इसको इसमें डाल देंगे और इसको हम भिगो देंगे, या तो ओवरनाइट भिगोएंगे या फिर हम भिगोएंगे इसको 7 से 8 घंटे, इससे अच्छे से ये फूल जाए। इसमें हम पानी डाल देते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच मीठा सोडा, इसको डाल के अच्छे से मिला देंगे और इसको हम ढक के छोड़ देते हैं। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और दाल भी हमारी अच्छे से भीग चुकी है। नाखून लगा के देखिए, इसमें देखिए कितने आराम से टूट रही है। तो इसको अच्छे से हम पानी में साफ कर लेंगे दूसरे पानी से। इसका गंदा पानी निकाल देंगे। इसको 3 से 4 बार तक हमको धोना है, जब तक इसका साफ पानी ना आ जाए। देखिए पानी एकदम साफ हो चुका है। इसको हम ये चलनी में छान लेंगे अच्छे से और सारा पानी निकाल देंगे। इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाएगा चलनी में। हमने एक साफ कपड़ा भी छान लिया है। अब इस पर हम अपनी सारी दाल डाल देंगे। इसको अच्छे से फैला देंगे। हमें बहुत ज्यादा देर तक हमें इसको नहीं सुखानी है, केवल इसका पानी ड्राई करना है। ये ड्राई हो जाए, केवल पानी इसका सूख जाए अच्छे से, चाहे तो इसके ऊपर से एक कपड़ा और इस तरह से डाल के अच्छे से सुखा देते हैं। जब तक हमारी दाल ये ड्राई हो रही है, हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 1/2 चम्मच सेंधा नमक लिया है, 1/2 चम्मच हमने काला नमक लिया है, 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च ली है और 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 पिंच हींग ली है। अब हम इन सबको ग्राइंडर में डाल के पीस लेते हैं। हमने मसालों को ग्राइंडर में पीस लिया है। हमने इसलिए सारे मसालों को पीसा है जिससे कि ये सारे आपस में अच्छे से मिल सके। दाल का पानी एकदम से सूख चुका है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। कढ़ाई में हमने तेल डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। देखेंगे हमारा तेल अच्छा गर्म हो चुका है। तो हम दाल को धीरे धीरे करके डालेंगे, इकट्ठी नहीं डालेंगे। यदि एक साथ डाल देंगे तो तेल का टेम्परेचर लो हो जाएगा।
लेंगे, सावधानी से डालें। हमें इसे जब तक तलना है जब तक कि इसकी आवाज ना आए और अंदर तक फ्राई ना हो जाए। इसी तरह से हिलाते हुए इसको दाल को चल तल लेना है। हमें इसे जब तक तलना है जब तक ये क्रिस्पी करारी ना हो जाए। ये बहुत अच्छे से तल चुकी है, इसमें आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है। देखिए अब इसको हमें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसमें निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर में। सारी दाल हमने निकाल ली है, इसी तरह से बाकी हुई बची हुई दाल भी फ्राई कर लेते हैं। अब गर्मा गर्म इसमें दाल में ही हम मसाला अपना मिला देते हैं जिससे कि अच्छे से चिपक सके। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर से निकल जाएगा। यदि आप इस तरह से घर में नमकीन बना के खाएंगे तो बाजार की खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मजेदार और टेस्टी लगती है। अब अपनी हम नमकीन को दूसरी बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारा ऑयल जो एक्स्ट्रा ऑयल था हमारा वो टिश्यू पेपर पे निकल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी चना दाल नमकीन बनकर आई है, जो खाने काफी टेस्टी और मजेदार लगती है। आप एक बार इसको घर में बना लेंगे तो बाजार से लाना भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा बनाई हुई चना दाल नमकीन आपको कैसी लगी? आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और हमारी राधा मोहिनी की रसोई को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। फिर से हम एक और रेसिपी के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।